में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। दरअसल आपको बता दें कि थाना कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त, जो कि दर्जनों चोरी के मामलों में वंचित चल रहा था, उसे फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गोली लगने से घायल अभियुक्त को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस अभियुक्त के पास से एक तमंचा, नाजायज 315 बोर, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस 315 बोर का बरामद कर लिया गया है। साथ ही विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। संवाददाता मोनू सिंह की रिपोर्ट। आज फतेहगढ़ पुलिस जो फौजी के यहाँ चोरी हुई थी, उस घटना में वांछित चल रहे अभियुक्त बड़े लाला, जिस पर 25,000 का इनाम था और वो यहाँ कादरी गेट का रहने वाला था, मुखबिर के सूचना पे पुलिस वहाँ पे अपना पिकेट लगाई हुई थी और तभी वो फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनसुबा ग्राम के पास से गुजर रहा था और उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया और इसी में उसके पैर में एक गोली लगी है और उसे तत्काल वहां से अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। अभी अस्पताल पे हम लोग मौजूद हैं और वो सकुशल है। उसे उक्त मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इसमें विधिक कार्रवाई कर रही है। उसने अभी प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि उसके ऊपर 15 से 16 मुकदमे हैं और चोरी की कई घटनाएं जिस जनपद में वो कर चुका है, इसके साथ साथ दूसरे जनपदों में भी कर चुका है। अभी जो रिसेंटली फतेहगढ़ में फौजी के घर उसके लाइसेंसी पिस्टल और पैसे की और जेवरात की चोरी हुई थी, उसमें ये वांछित था। इसका साथी पकड़ा गया था और उसने इसका नाम बताया था और तभी इसके ऊपर इनाम भी 25,000 का घोषित किया गया था। और फतेहगढ़ पुलिस की, फतेहगढ़ थाना और SOG की ये संयुक्त कार्रवाई है और हमने उसे गिरफ्तार किया है। अगली विधिक कार्रवाई कर रहे हैं।